हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ट्राउज़र में पॉकेट लगाना बताऊंगी। हमने मोहरी के लिए निशान लगा लिया है पॉकेट की। ये हमारी पॉकेट कटी हुई रखी थी पहले से। ये 13 इंची की लंबाई है, 7 इंच की चौड़ाई है इसकी, 6.5 इंची पर इसकी चौड़ाई है ऊपर की। ये हमने पॉकेट खोल लिया, 1 इंची पर हम इसका फोल्ड के लिए निशान लगाएंगे अंदर का। ये हमने निशानों पर लगा लिया है, ये ऊपर के निशान पे नहीं लगानी है हमें सिलाई। नीचे के निशान पे, नीचे के निशान तक दोनों पे सिलाई लगानी है। इसमें ध्यान रहे सिलाई लगाते समय कि हमारी सिलाई एकदम सीधी रहे, टेढ़ी ना हो। अगर टेढ़ी हो जाएगी तो हमारी पॉकेट की फिनिशिंग नहीं आएगी। इसमें हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, नाखून से इसे सीधा करेंगे हम, ताकि ये फिनिशिंग हो जाए इसमें। और ये हमने पॉकेट को उल्टा कर लिया है। अब इसको हम सही से बिठाएंगे। बिठाने के बाद हम इसमें एक पैर की सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रहे कि हमें एकदम सीधी सिलाई लगानी है। जैसी सेब है वैसे ही हमारी सिलाई लग गई है। सिलाई लगने के बाद हम इसको थोड़े थोड़े कट लगाएंगे। इसमें कट लगाने के बाद हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसको एकदम सही से बिठाएंगे। सही से बिठाने के बाद हम इसको इसकी नोक निकालेंगे। इसमें नोक निकालने एक पैर की दोबारा से सिलाई लगाएंगे हम उल्टा करके। और हम इसमें पैर की सिलाई लगा रहे हैं, ये ध्यान रहे एकदम सही से हमें बिठाना है इसको। टेढ़ा मेढ़ा मार्जिन ना हो, और टेढ़ा मेढ़ा मार्जिन होगा तो पॉकेट में फिनिशिंग नहीं आएगी। हमारी पॉकेट में फिनिशिंग आ चुकी है। अब इसको हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन था छोड़ा था हमने इसमें, उस पर एकदम बराबर बिठाएंगे इसको। एक बराबर बिठा के हम इस पर ये टांकी लगाएंगे। टांकी लगाने के बाद ये ध्यान रहे कि हमारी ये पॉकेट है, पॉकेट से थोड़ा हट के सिलाई लगाएं। पॉकेट पे सिलाई ना लगाएं। अगर पॉकेट पे सिलाई लगेगी तो सिलाई एकदम पॉकेट बंद हो जाएगी इसकी। और ये नीचे सही करते हुए हम एकदम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको कट करेंगे। और ये देखिए हमारी पॉकेट एकदम सही आई है, बनके तैयार हुई है। एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं पॉकेट हमारी कैसी बनी है। और पॉकेट अगर बनी हुई अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।